अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे गॉस सिडल आइट्रेशन मेथड। प्रीवियस लेक्चर में हमने जैकोबी मेथड को डिस्कस किया था और उसकी मैथमेटिका में कोडिंग को डिस्कस किया था, तो आज के लेक्चर में हम गॉस सिडल आइट्रेशन मेथड को डिस्क्राइब थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि ये क्या होता है, और उसके बाद हम इसकी कोडिंग करेंगे। तो गॉस सिडल मेथड जो है ना, इज एन इम्प्रूवमेंट ऑफ जैकोबी मेथड। ये जैकोबी मेथड में ही थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की गई है, मतलब है ये जैकोबी मेथड की तरह, लेकिन उसमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट की गई। इट इज ऑल्सो नाउन एज द मेथड ऑफ सक्सेसिव डिस्प्लेसमेंट। तो ये इसको मेथड का दूसरा नाम ये भी कहा जाता है। जैकोबी मेथड जो था, हमने उसमें हम उसमें क्या कर रहे थे, हम जरा जैकोबी मेथड पे आते हैं, थोड़ा सा उसको डिस्कस करते हैं के बाद उसको इससे रिलेट करते हैं। जी, जैसे ये कल के लेक्चर में हमने ये इक्वेशंस बनाई थी। अब जैकोबी मेथड में हमारे पास x2, x3, x4, x1 सभी की एक वैल्यूज गिवन होती है स्टार्टिंग पे। हमारे पास जो होती है, हमने स्टार्टिंग वैल्यूज सभी की 0 0 ले ली, ठीक है। अप टू एन तक हमने सभी की 0 0 वैल्यूज ले ली हैं, तो हम सभी को 0 0 पुट करके हमारे पास एक x1 आ जाएगा नेक्स्ट टर्म के लिए, फिर एक x2 आ जाएगा, x3 आ जाएगा, अप टू सो ऑन हमारे पास एक xn की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी आइट्रेशन चलेगी वो इन वैल्यू से रन होगी जो हमारे पास अब आएगी, मतलब नेक्स्ट आइट्रेशन में हमने ये वाली वैल्यूज पुट करनी। लेकिन गॉस सिडल मेथड में हमें क्या करना है कि हमें फर्स्ट स्टेप में जो वैल्यूज, ये हमें जो वैल्यूज गिवन है ना, हमें जस्ट इसको फर्स्ट स्टेप में पुट करना है। फर्स्ट स्टेप में पुट करने के बाद जब हम नेक्स्ट में आएंगे, अब यहाँ पर हमारे पास क्योंकि x1 की कोई ना कोई वैल्यू आ जाएगी, इसको सॉल्व करने के बाद हमारी कोई एक नंबर है जो x1 की वैल्यू आएगी, लाइक ये। तो अब हमने जब सेकेंड स्टेप लेना है ना x2, अब इस समय हमने ये वाली x1 की वैल्यू यूज नहीं करनी है, हमने इसमें जो सक्सेसिव वैल्यू आई है ना जो प्रीवियस से, वो यूज करनी है, लाइक टू। अब टू यूज करेंगे और बाकी जो है वो ये जो गिवन वैल्यूज है वो यूज करेंगे। यूज करने के बाद हमारा यहाँ से भी आंसर आ गया है 3। तो अब हमें जब नेक्स्ट सॉल्व करना है ना x3, तो x3 में हमने x1 ये वाला यूज करना है और x2 हमने ये वाला यूज करना है, ये प्रीवियस वाले यूज नहीं करने। मतलब जब हमारे पास न्यू टर्म की वैल्यू आ जाएगी सक्सेसिव, तो हमने प्रीवियस वाले को छोड़ते जाना है। x की एक्सप्लेनेशन समझ आ गई है, अब हम इसकी कोडिंग की तरफ चलते हैं। जी, तो अब हम इसकी मैथमेटिका में कोडिंग करने लगे हैं। तो कल हमने जैसे जैकोबी मेथड की है, सेम हम इसी तरह से इसकी भी करेंगे। हमारे पास एक ए मैट्रिक्स दे दिया गया है, और ए मैट्रिक्स में हमें एंट्रीज जो देनी है वो लिस्ट वाइज देनी है। जैसे मैंने कल डिस्कस किया था 10 -1, वही हम कल वाला ही डेटा यूज कर रहे हैं, कल वाला मैट्रिक्स ही हम यूज कर रहे हैं, कॉमा। जब हम शिफ्ट प्लस कर्ली ब्रैकेट को प्रेस करते हैं तो हमारी एट अ टाइम दोनों ब्रैकेट्स आ जाती हैं, ओपन ब्रैकेट भी और क्लोज ब्रैकेट भी। ये वैल्यूज काफी केयरफुल आपने कर लिखनी है, क्योंकि इन्हीं से आपकी सारी प्रोग्रामिंग रन होगी। अगर इनमें प्रॉब्लम हो गई तो आपकी सारी कोडिंग में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये हमारा ए मैट्रिक्स आ गया है, ठीक है। अब हमें बी मैट्रिक्स बताना है, तो बी इज इक्वल है सेम जो कल हमने लिया था, जी ये हमारा हो गया बी मैट्रिक्स। अब हमारे पास जो D1 आएगी डायगनल एंट्रीज, अब हमने उसकी फॉर्मुलेशन की तरफ आना है। D1 इज इक्वल है डायगनल, डायगनल ये हमारे पास नीचे ऑप्शन में आ रहा है, डायगनल मैट्रिक्स ऑफ डायगनल ए। अब डायगनल ए की जो वैल्यूज आएंगी ना, हमें वो डायगनल मैट्रिक्स में चाहिए, कि जो डायगनल ए हमारे पास आएगा ना ए मैट्रिक्स का, वो हमें जो है ना उसको डायगनल अगेन वो बना के दे। मैं इसको आपको थोड़ा सा करके दिखा देती हूँ कि ये जो आपका D1 है ना, ये मैट्रिक्स फॉर्म है, किस तरह से होगा मैट्रिक्स। ये चीजें हमने कल के लेक्चर में भी डिस्कस की थी, लेकिन कुछ लोग होंगे जो इन्होंने आज का लेक्चर लिया होगा लेकिन प्रीवियस नहीं लिया होगा,
तो उनके लिए मैं अगेन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ चीजों को. D1 तो ये आपका इस तरह की फॉर्म में होगा, मतलब कि आपकी जो ए मैट्रिक्स है ना उसकी डायगनल एंट्रीज, ये आपका डायगनल ए. तो ये जो है ना डायगनल ए, ये जो इतना पार्ट है ये क्या है, ये जस्ट ए मैट्रिक्स की डायगनल एंट्रीज उठाई हुई, लेकिन उसको बी डायगनल मैट्रिक्स में जब हम लिखेंगे तो वो ये वाली फॉर्म बन जाएगी. फिर मैंने कहा मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ दिस D1, तो मुझे D1 की मैट्रिक्स फॉर्म चाहिए, तो वो उन्होंने दे दी है. तो क्योंकि मुझे इसकी आउटपुट की जरूरत नहीं है, तो मैं इसको जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए, मैंने आपको बताने के लिए कि ये इस तरह से आएगी. तो ये अब हम लोअर ट्रायंगुलाइजेशन मैट्रिक्स लेंगे. जैसे मैंने कल बताया था A-1, तो अब इसको भी हम देख लेते हैं ये किस तरह से आएगा. आपका मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ, मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ L, तो ये आपके पास कैसी आएगी, ये वाली फॉर्म आ जाएगी. इसी मैट्रिक्स की जो फॉर्म आएगी कि हमारे पास -1 और बाकी सारी एंट्रीज 0. नेक्स्ट मूव करते हैं इसका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. अपर ट्रायंगुलर और ए और 1 ब्रैकेट मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ ऑफ यू, तो ये आपके पास अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की फॉर्म बन जाएगी. नेक्स्ट अब हमें डेटा इंक्रीज करनी है, तो एक्स नॉट जो होता है गॉस सीडल मेथड में भी, वो भी हमने स्टार्टिंग पे 0 पॉइंट ही लेना है. ये हमें गिवन भी हो सकता है डाटा कि आपने एक्स नॉट जो है वो किस तरह की फॉर्म का लेना है. अब हम पैलेट ओपन करते हैं क्योंकि हमें एक्स नॉट लिखना है. तो जी एक्स नॉट X0 इज इक्वल है कर्ली ब्रेसेस 0,0,0,0,0. तो ये हमारी जो है जी X की वैल्यूज आ गई हैं. अब हमने 4 एंट्रीज की है क्योंकि हमारे पास 4 वेरिएबल्स है. ठीक है, हमारे पास क्योंकि मैट्रिक्स जो हमने बनाया हुआ है वो 4x4 ऑर्डर का है, इट मीन्स कि हमारे पास जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन था हमें वो भी 4 था, तो उसमें 4 से 4 वेरिएबल्स हमने सेपरेट किए. नेक्स्ट है हमारे पास, हमें एक एप्साइलेंस गिवन होगा कि हमें इतने डीपीस तक इसको लेके जाना है. एप्साइलेंस इज इक्वल टू 10^2 लाइक हम ले में गिवन है 10^-4 -4 हमें एप्साइलेंस गिवन है. नेक्स्ट है लेफ्ट हैंड साइड, हम इसके फॉर्मुलेशन की तरफ आ रहे हैं. लेफ्ट हैंड साइड पे हम रख रहे हैं लाइक L प्लस D1. लेकिन लेफ्ट हैंड साइड पे हमने वो एंट्रीज रखी हैं जिनमें हमें चेंजिंग नहीं अभी चाहिए है. लाइक D1 तो हमारी डायगनल एंट्रीज आ गई है सारी की सारी, ठीक है, जो वेरिएबल्स के साथ आ रही हैं, और उसमें जो लोअर ट्रायंगुलाइजेशन की एंट्रीज है वो. तो राइट हैंड साइड पे हमारी क्या होगी, राइट हैंड साइड पे होगा हमारा U -U डॉट, यहाँ पे ये डॉट मल्टीप्लीकेशन के लिए, और ये मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, यहाँ पर हमारी कौन सी वैल्यूज आएंगी, एक्स नॉट की सारी वैल्यूज यहाँ पे मल्टीप्लाई होंगी. तो एक्स नॉट प्लस बी, अगर तो हमने ऊपर बी कैपिटल लिखा है तो हमें यहाँ पे भी कैपिटल यूज करना पड़ेगा वरना हम स्मॉल यूज करेंगे. नेक्स्ट है हमारे पास, देखिए X1 कैसे आएगा, वो आएगा जी लीनियर वैल्यूज ऑफ लीनियर सॉल्व ऑफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड और उनके न्यूमेरिकल अप्रोक्सीमेशंस लीनियर सॉल्व न्यूमेरिकल, ये n क्यों लगाया है, ताकि ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आई हमारे पास, जो है वो बटे की फॉर्म में ना आ जाए, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू आए पॉइंट्स की फॉर्म में जो हमें रिक्वायर्ड है राइट हैंड साइड. सॉरी सेमी कॉलन एन इज इक्वल है 1, हमने क्योंकि फॉर्मूले में N-1 वाली टर्म यूज करनी है. अब हम इसकी जो मेन है ना वो लिखेंगे लूप, जिससे हमारी ये सारी कोडिंग रन होगी. अभी तक जो हमने डेटा दिया है ना वो हमने सारा गिवन डेटा दिया है और फॉर्मूला बताया है कि हमारे, सबसे पहले हमने ये स्टेप में हमें मैट्रिक्स के बारे में बताया,
फिर हमने मैट्रिक्स के बी वाली फॉर्म में बताया, फिर हमने उसकी, अब हमने यहाँ से जो है ना इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी कि अब हमारा जो फॉर्मूला है ना वो किस तरह से रन होगा वो हम बताना स्टार्ट करेंगे। फॉर्मूला जो है ना वो उसमें डायगनल मैट्रिक्स आ रहा है, D1 आ रहा है, उसमें लोअर ट्रायंगुलाइजेशन यूज हो रही है, उसमें अपर ट्रायंगुलाइजर मैट्रिक्स यूज हो रहा है, तो वो सारे बताने के बाद फिर हमने डेटा बताया कि एक्स नॉट जो हमारे पास ये गिवन है, फिर हमने बताया कि हमारा जो स्टॉपिंग क्राइटेरिया है ना उसमें अब साइलेंस ये है, फिर हम अब फॉर्मूले की तरफ आ रहे हैं। तो अब हम इसके ऊपर पहले तो स्टॉप क्राइटेरिया लगाएंगे, वो भी आपको गिवन होगा, स्टॉपिंग क्राइटेरिया नॉर्म। एक्स एन माइनस एक्स एन माइनस वन, नॉर्म एक्स एन ग्रेटर ग्रेटर देन दिस एप्सिलॉन, कि जब तक ये ग्रेटर देन दिस एप्सिलॉन होगा ये लूप आपकी चलती जाएगी, जैसे ही ये लेस हो जाएगा तो ये आपका स्टॉप हो जाएगा। ये जो सेमी कॉलन या कॉमा ये जो हम यूज करते हैं ये कंडीशंस हैं इनकी, जैसे बुक में हम यूज की होंगी हम वैसे ही यूज कर सकते हैं, बुक में ये चीजें डिफाइन की हुई हैं कि आपने ये जो है इनको किस तरह से यूज करना है, ये मिस्टेक नहीं करनी है क्योंकि हमारा एल कैपिटल यूज किया हमने तो हम एल कैपिटल ही लेंगे। अब नेक्स्ट हम लिखेंगे राइट हैंड साइड इज इक्वल है माइनस यू पॉइंट एक्स एन माइनस वन, क्योंकि एन हमारे पास वन ले लिया हुआ है हमने, प्लस बी सेमी कॉलन। अब हम ऊपर वाली यही टर्म को यूज करेंगे सारी की सारी को, तो मैं इसलिए इसको कॉपी पेस्ट कर रही हूँ कि अगेन क्योंकि ये सेम एज इट इज है, जस्ट हमें एक्स की जगह पे एक्स वन की जगह पे एक्स एन लेके चलना है क्योंकि ये हमारा रन होगा एक्स एन और बाकी टर्म जो है वो आपकी सेम है, तो ये हमारी लूप होगी जी क्लोज। अब हमने इसका डिस्प्ले कैसे लेना है, हम उसको एक्स रख सकते हैं, एस रख सकते हैं, एस इज इक्वल है टेबल 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 में हमारे पास क्या है हो गए एक्स आईज होंगे जो भी हमारे आ रहे हैं, एक्स और आई जो है वो कितना वेरी कर रहा है, आई 0 से लेके आपका एन तक जाएगा, आई 0 से एन तक। नेक्स्ट टेबल टेबल फॉर्म, अब टेबल फॉर्म में हमने इसकी टेबल की हेडिंग भी देनी है एस कॉमा टेबल हेडिंग्स, टेबल हेडिंग जो है वो रो वाइज हमें नहीं चाहिए हमें कॉलम वाइज देनी है, तो कॉलम वाइज हम इसकी हेडिंग देंगे, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो भी आपकी टर्म होगी वो एज इट इज आ जाएगी, अगर हम रो वाइज ऑटोमेटिक कर देंगे तो वो ऑटोमेटिक आ जाएंगी, तो हम यहाँ पे ऑटोमेटिक कर देते हैं, ठीक है ऑटोमेटिक, तो वो 1 2 3 ऑटोमेटिक आती जाएंगी। अब यहाँ पे क्योंकि हमें सेम ही नंबर लिखना है तो हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेंगे बार बार लिखने की जगह, तो हम अब यहां पर एक्स को 1 by 1 करते जाएंगे कॉमा इन्वर्टेड कॉमास दिस इन्वर्टेड कॉमास दिस एंड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा और दिस। अब हम इसकी नंबरिंग सेटिंग कर लेते हैं, तो ये हमारे पास एक्स 4 X3, X2, X1। जी अब हम शिफ्ट प्लस एंटर की प्रेस करते हैं ताकि इसकी आउटपुट जो है वो डिस्प्ले हो सके। अब तो ये इसकी आउटपुट आ गई है हमारे पास, देखें इसकी आउटपुट
ये इसकी आउटपुट आ गई है हमारे पास। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा, और इसकी जो कोडिंग में जो मेन फॉर्मूला वर्क कर रहा है वो भी अच्छे से आपने अंडरस्टैंड कर लिया होगा। जी, ये जो है हमारी ये लूप तब तक रन होगी जब तक ये कंडीशन, क्योंकि हमारा जो है वो 10^-4 तक हमें कंडीशन दे दी गई है। तो ये जो डिफरेंस होगा इन दोनों का जब उनका नॉर्म लेंगे, तो जब वो इस नंबर से ग्रेटर हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सिमिलर वैल्यूज आ रही हैं, आपको नजर आ रहा ही होगा ये बहुत ज्यादा सिमिलर है, तो जब इनका डिफरेंस लेके उसको कंपेयर करेंगे तो वो डेफिनेटली जो है ना इस इन पॉइंट्स पे जाके वो क्या हो जाएगी, वैल्यू जो हो जाएगी वो ग्रेटर हो जाएगी, और ये इससे लेस हो जाएगी जब वैल्यूज, ये जो वैल्यू जब ये ग्रेटर हो जाएगी तब हमें स्टॉप करना है, अदरवाइज जब तक ये वाली वैल्यू हमारे पास ग्रेटर आ रही है तब तक हमें रन करते रहना है इस लूप को। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। अब हम तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह।